जो है माखन चोर, जो है मुरली बाला, वही है हम सब के दुख दूर करने वाला। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। सबसे लाडले और चंचल भगवान कृष्ण के जन्मदिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम जन्माष्टमी स्पेशल नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हर ओर नंद के घर आनंद की गूंज है। मौका है जन्माष्टमी का, कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण को कान्हा, नंदलाला, गोपाल, मोहन जैसे नामों से भी जाना जाता है। भगवान अपने नटखट स्वरूप और मंद मुस्कान से हर किसी के चहेते हैं। आज उसी नंदलाला का जन्मदिन है। अब जब नंदलाला इतने खास हैं, तो इनकी पूजा भी उतनी ही खास होनी चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को कैसे मनाएं और पूजा में किन बातों का खास ख्याल रखें। इन्हीं सब विधियों को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी, जो इन्हीं से जुड़ी विधियों को विस्तार से बताएंगे। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान विष्णु के आठवें अवतार और अष्टमी के दिन जन्मे हुए। आठ और आठ 16, यानी पूर्ण परात्पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं को लेके रोहिणी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ, और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा अपने पूर्ण तेज, ओज और बल में होते हैं। अत्यंत सुंदर, मनोहर, और अगर हम बात करें बच्चों की, तो नंदलाला, गोपाला और ये लड्डू गोपाल का स्वरूप। जैसे जन्म दिवस पे उत्साह होता है, वो उत्साह सभी माताएं बहनें लोग भगवान श्री कृष्ण की उत्साह में आज पूरी तरह से मग्न है। आप सबको फिर से विशेष बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो गुरु जी, जैसे कि आज हम यहाँ जन्माष्टमी मनाने के लिए बैठे हुए हैं, तो साथ ही हमारे पास दर्शकों से जुड़े कुछ सवाल भी हैं जी, तो जिनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। कि तो सबसे पहला सवाल यही है कि जन्माष्टमी का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है और जन्माष्टमी की पूजन विधि क्या होनी चाहिए जी। सबसे पहले जो बात आती है, जब भी किसी भी कोई भी अगर पूजन होता है या कोई अगर कार्यक्रम होता है या कोई किसी भी प्रकार से कोई भी एक उत्सव होता है, तो उस उत्सव के होते हैं विशेष विशेष मुहूर्त। रात्रि का पूजा मुहूर्त सबसे पहले देख लीजिए, 6 सितंबर रात्रि 11:57 से 12:42 तक का है। इसको निशीत काल पूजा भी बोलते हैं। अष्टमी तिथि आरंभ हो रही है, दोपहर 3:37 पे इसका प्रभाव अष्टमी तिथि समाप्ति 7 सितंबर को है 4:14। तो रोहिणी नक्षत्र का जो प्रारंभ है वो सुबह 9:20 पे है, रोहिणी नक्षत्र वाले दिन ही, और विशेष रूप से रोहिणी नक्षत्र के साथ बुधवार का भी दिन था भगवान श्री कृष्ण का, तो दोनों ही शुभ मुहूर्त पढ़ रहे हैं इस बार। ये तो हुआ शुभ मुहूर्त की बात। शुभ मुहूर्त के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, इसमें जो बड़े ही सुंदर योग आदि योग बन रहे हैं, गुरु बृहस्पति देव के साथ साथ जो शनि देव का प्रभाव है, क्योंकि भगवान शनि देव की उपासना भी भगवान श्री कृष्ण की को प्रसन्न करने वाली होती है, तो वो भी वक्री समय चल रहे हैं। बाल रूप की उपासना करना, इसका शास्त्रों में विधान दिया गया है। लड्डू गोपाल की उपासना करना, तो सुबह उठ के स्नान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को अपनी संतान की तरह आज, और भगवान श्री कृष्ण का हम क्या पूजन कर पाएंगे, लेकिन संतान लड्डू गोपाल मान के उनका पूजन करने का एक बहुत ही अच्छा विधान है। उनको भी अलग अलग प्रकार से, जैसे पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा होती है, वही करना चाहिए। जन्माष्टमी में लड्डू गोपाल को एक बहुत ही सुंदर आसन देके झूले में, चूँकि बहुत कोमल है, इसलिए उनका जलाभिषेक करने के बाद सभी देवी देवताओं का जलाभिषेक भी करें। उनको नए अच्छे वस्त्र इत्यादि भी दें, और साथ के साथ उनको माखन मिश्री का भोग तो चढ़ाना, ये तो सब लोग जानते ही हैं। इसके साथ साथ गरी इत्यादि से बनी हुई वस्तुओं के भी भोग लगते हैं, क्योंकि वो एक बाल रूप है।
बाल रूप में वो सबका कष्ट दूर करने आए हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत कोमल और बहुत ही प्रेम से आप पूजन करें, चाहे पंचोपचार पूजन करें चाहे षोडशोपचार पूजन करें, सभी मान्य है। तो गुरु जी, नंदलाला की मूर्ति को लेके बहुत ही सवाल उठते हैं कि नंद गोपाल की कैसी मूर्ति लाए जाए और कैसा मुकुट लाया जाए, तो वो मूर्ति कैसी लानी चाहिए, उस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। अब नंदलाल, चूंकि ये गोकुल अष्टमी भी है, एक उत्सव है, और उत्सव के साथ ही एक इस प्रकार का प्रभाव आ रहा है कि इसमें पर जैसे बोलते हैं जन्म दिवस जब भी बोलते हैं तो एक ही बात ख्याल में आती है, दिमाग में आती है, मस्तिष्क में आती है, विचार में आती है कि ये मूर्ति होनी चाहिए लड्डू गोपाल की, यानी बहुत छोटे बच्चे की लड्डू गोपाल, यानी इस तरह से हाथ बड़ा हुआ हो और घुटने घुटने चल रहे हो। अगर इस प्रकार के नंदलाल के घर उत्सव हुआ तो अगर इस प्रकार से नंद नंदन पूर्व परात्पर ब्रह्म जिन्होंने के अंदर कोटि कोटि ब्रह्मांड है, लेकिन उनकी जो मूर्ति है वो कीजे सुलीला अति प्रिय सीला ये सुख परम अनुपा, इस दिन उनकी भगवान की तरह फिर भी उतनी पूजन नहीं होता है, उनका होता है घर घर में एक संतान का जैसे पूजन होता है, इसी प्रकार से उनकी मूर्ति लड्डू गोपाल की हो। साथ के साथ ये भी ध्यान रखें उनका मुकुट वो बहुत ही कोमल रंगों का होना चाहिए, हल्का रंग जैसे हल्का नीला, हल्का गुलाबी, हल्का आप पिंक कलर ले सकते हैं, उस प्रकार का उनका मुकुट हो। और जो जिसको कहते हैं कोमल बच्चों को जो जो भी चीज़ें पहनाई जाती हैं उस प्रकार से भी उनकी मूर्ति की साज सज्जा जरूरी है। हाँ, मूर्ति के साथ जैसा पहले कहा झूले का भी एक बहुत अधिक महत्व रहता है, तो झूले के साथ, और ये भी ध्यान रखिए कि उनकी मूर्ति कहीं से भी किसी भी प्रकार से खंडित ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी ये भी बात ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसी अशुद्ध धातु का की भी मूर्ति ना हो, ये भी ध्यान रखिएगा कि कांच इत्यादि की भी मूर्ति ना हो, लेकिन किसी शुद्ध धातु की मूर्ति हो, उससे आप उस मूर्ति का अभिषेक करके उनको उसी प्रकार से सजा सवार के आप जैसे लड्डू गोपाल कुछ भोग इत्यादि रख के आप उस मूर्ति की पूजन सब लोग सब परिवार कर सकते हैं। तो गुरु जी, अब पूजन विधि के बारे में बताइए, जन्माष्टमी पर हम श्री कृष्ण की कैसे पूजा करें, तो इस बारे में जरा विस्तार से बता दीजिए। देखिए, पूजन विधि में कोई भी एक मंत्र का बड़ा इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंस रहता है, बहुत ही जरूरी होता है। सभी देवी देवताओं का अभिषेक करना बहुत जरूरी होता है, भगवान लड्डू गोपाल के अभिषेक के बाद उनको भी नहलाया जाता है। तो जब जन्म के बाद इस प्रकार से होता है पूजन विधि में, जो जन्म की विधि है वो तो ये भी होता है कि आप खीरे से जन्म कराते हैं, एक खीरा आता है विशेष प्रकार का, माताएं बहनें सब जानती होंगी, नहीं तो बाजार में मिल भी जाता, उस खीरे में से जन्म कराया जाता है और दुग्ध से उनका स्नान भी कराया जाता है, और फिर तत्पश्चात उनको पोछ के अच्छे से आसन झूले में बैठा के कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मय प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस प्रकार से आप अगर करते हैं पूजन का ये मंत्र तो बड़ी से बड़ी समस्या भी यदि आ रही होगी तो इस मंत्र का जो शुभ प्रभाव है वो आप लोग अजमा के देख लीजिएगा, बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, इतना ज़्यादा प्रभाव होता है। और इसी के साथ व्रत का भी अपना अच्छा एक उसका बहुत जरूरी एक अवयव होता है, व्रत रखना ही ये भी एक पूजन का ही उस पूजन का ही एक अंग होता है, तो बिना व्रत के पूजन में वो आपको उतना आनंद नहीं आएगा। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, माखन मिश्री का भोग लगा के भी और इसके बाद आरती का भी विधान जरूर रखिए। जब भी पूजन होता है उसमें भगवान श्री कृष्ण की, चूंकि वो तो 16 कलाओं के,
पूर्ण परात्पर ब्रह्म की उपासना करना और इसमें आप अलग अलग प्रकार से स्तुतियाँ भी कर सकते हैं। मधुराष्टकम इत्यादि स्तुतियाँ लोगों को मालूम है, आप कृष्ण भगवान के भजन इत्यादि गा सकते हैं। इसी के साथ ही जैसा मैंने आपको पहले मंत्र बताया, ये विष्णु जी के अवतार हैं, इनको टीका अवश्य करना चाहिए और टीके के साथ कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रय वर्मोष्टिकम करतले वेणु तले कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुरलितम कंठे चा मुक्तावली गोपस्त्री परिवेस्थितो विजयते भूपाल चूड़ामणि। इस प्रकार से भगवान विष्णु के पूर्व पूर्ण परात्पर ब्रह्म और भगवान विष्णु का ही अवतार लेके आठवां अवतार और अष्टमी तिथि की रात्रि, जिस समय घनघोर रात्रि है उसी समय एक उजाले के रूप में पूरी पृथ्वी को पूरे ब्रह्मांड को सुख देने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो इसी प्रकार से उत्सव, आज का पूजन भी एक उत्सव का पूजन रहता है, जन्माष्टमी का पूजन भी एक उत्सव का पूजन रहता है, यानी आपको बस आनंद लेना है। तो गुरु जी, अब श्री कृष्ण का श्रृंगार कैसे करें और उनको किस तरह से सजाएं, अब इस बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। देखिए, ये तो भाव का विषय है, श्रृंगार हम क्या कर पाएंगे भगवान श्री कृष्ण का। लेकिन जैसा पहले बताया हमने, आपने अगर सुना हो, देखा हो, दर्शक लोग अगर ध्यान दे रहे हो, तो निश्चित रूप से हमने एक ही बात रखी कि श्रृंगार वैसा ही होगा जैसे आप लड्डू गोपाल अपने संतान का जो श्रृंगार क्या माताएं जो करती हैं। एक बात और भी है, श्रृंगार तो आप करेंगे, मुकुट इत्यादि आप लाएं, और अगर आप भगवान श्री कृष्ण के युवा रूप की भी मूर्ति लाके आज पूजन कर सकते हैं, उसमें आपको बांसुरी का विधान जरूर देना चाहिए, मुकुट का विधान जरूर देना चाहिए। अन्यथा तो लड्डू गोपाल है, तो लड्डू गोपाल की मूर्ति को दूध में ही रख के, उनको दुग्ध अति प्रिय है, माखन का, और इसका भोग भी लगाएं। और श्रृंगार के साथ साथ आप इनके जो वस्त्र होंगे वो वस्त्र चमकीले, और चमकीले के साथ ही जिसमें छोटे छोटे मोती इत्यादि लगे हो चमकने वाले, वो ही आप, और चटक रंगों से आप श्रृंगार इनका करिए। तो आप जब श्रृंगार इस तरह से करेंगे, बांसुरी इत्यादि, मोर पंखी रखना ना भूलिए। श्रृंगार की सबसे जो बहुत जरूरी एक वस्तु होती है वो होती है मोर पंखी, तो मोर पंखी के साथ भी आप इनका श्रृंगार करें। इसी के साथ ही आप पूरे पूरे परिवार के साथ ही षोडशोपचार और पंचोपचार, जो पूजन का हमने मेथड आपको बताया, उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं, भोग इत्यादि लगा सकते हैं और इनका अभिषेक इत्यादि करके समस्त देवी देवताओं की स्तुति करने के साथ ही आप भगवान श्री कृष्ण की और अपनी मनोकामना भी आज मांग सकते हैं इनका श्रृंगार, और इनके साथ आप थोड़ा सा आनंद के साथ अपने पूरे परिवार के साथ मनाइए, तो आप देखेंगे जीवन में मिठास आपके निश्चित रूप से आएगी। तो गुरु जी, मेरे पास आपके लिए दो सवाल है। पहला ये कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रसाद क्या होना चाहिए, साथ ही सुख समृद्धि के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, प्रसाद की जहाँ तक बात है, प्रसाद तो ये होता है कि प्रभु का प्रसाद, यानी कि जो प्रभु का जो ग्रास होता है उससे जो हमको उनको जो ऑफर करके जो हमको मिलता है देने के बाद, वो प्रसाद होता है। उसमें ये देखा जाता है सात्विकता होनी चाहिए, पूर्ण रूप से जो सात्विक चीज़ें होती हैं वही प्रसाद में होता है। जैसे नारियल को बहुत शुद्ध माना गया है, जैसे दुग्ध को बहुत शुद्ध माना गया है, दुग्ध से बने हुए पदार्थों को बड़ा शुद्ध माना गया है, इसी प्रकार से चरणामृत जो बनता है वो भी बहुत ही शुद्ध माना गया है, जिसमें पंचामृत भी बनता है, पंचामृत में भी पांच प्रकार की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब शुद्ध होती हैं। इसके साथ माखन मिश्री का प्रसाद होता है, भोग लगता है इसके साथ, किशमिश इत्यादि का, जिसको कह सकते हैं हम ड्राई फ्रूट्स इत्यादि का भी भोग लगता है, और ये अगर आप भोग लगाते हैं तो इन्हीं से जुड़ा हुआ आपका जो दूसरा प्रश्न है कि सुख समृद्धि किस प्रकार से बढ़े, तो सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए जरूर चांदी, यदि अगर आपके पास उपलब्ध हो तो चांदी के पात्र में अगर आप ये सारी चीज़ें भोग लगाते, नहीं भी है तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, दुग्ध का भी अगर भोग लगा देंगे, दूध से बनी हुई मिठाई का भी भोग लगा देंगे, तो आपको वही
प्रसाद के रूप में वितरित करेंगे, और अगर ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाते हैं तो वो भी आप प्रसाद के रूप से वितरित कर सकते हैं, सभी कुछ कर सकते हैं। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो गुरुजी, इस बार की जन्माष्टमी जो है इस पर खास संयोग बना है, तो जो राशि है राशियों पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और राशियों पर क्या खास उपाय करने चाहिए जन्माष्टमी पर जिससे वो सुख समृद्धि राशियों में आए? जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, राशियों को हम लोग ना भूलें, क्योंकि मेष से मीन राशियों के साथ एक बहुत विशेष प्रभाव आ रहा है। एक तो प्रभाव ये आ रहा है कि चंद्र अपनी उच्च की राशि में है, तो जैसे मेष राशि वाले हैं उनके पास धन की आवक कहीं से बढ़ सकती है इस जन्माष्टमी पे। वृषभ राशि वालों की तो सारी, जिसको कहते हैं, दसों उंगलियां घी में हैं, सर कढ़ाई में है, ये तो आनंद ही आनंद है वृषभ राशि वालों का। मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि अपने खर्चों को कैसे वो कंट्रोल करें। कर्क राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र पे अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसा सुयोग बन रहा है उच्च का चंद्र, उच्च के चंद्र का रोहिणी नक्षत्र पे, सो नक्षत्र भी चंद्र देव का, सब चंद्र ही चंद्र, मन ही मन से संबंधित सब मनोनुकूल चीजें हो रही हैं इस जन्माष्टमी पे। और इसी के साथ ही अगर सिंह राशि की बात करें तो कार्य क्षेत्र पे विशेष परचम लहराता हुआ आने वाले समय में दिख रहा है। कन्या राशि की बात करें तो भाग्योदय दिख रहा है। तुला राशि वालों की अगर हम बात करें तो तुला राशि वालों को बस थोड़ा सा अपने रिलेशन में सावधान रहना चाहिए। वृश्चिक राशि की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में सुखों की बढ़ोतरी हो रही है। धनु राशि की बात करें तो पुराने रोगों से छुटकारा, पुराने क्लेशों से छुटकारा दिख रहा है। साथ के साथ अगर मकर राशि की बात करते हैं तो संतान की विशेष प्रगति और महत्वाकांक्षा की पूर्ति। कुंभ राशि की बात करें तो उनको कोई विशेष सरकार की तरफ से या किसी और प्रतिष्ठान की तरफ से विशेष पुरस्कार मिल सकता है। अगर मीन राशि की बात करें तो पराक्रम बढ़ेगा और घर में थोड़ा सा सुख शांति के लिए उनको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ सकता है। तो ये तो हुई सारी राशियों की बात, और सारी राशियां क्या कर सकती हैं अगर हम सभी राशियों को बोलें तो निश्चित रूप से आज से अगले 4 दिन तक चंद्र को अगर अर्घ दे दें, चंद्र का उदित समय सब पंचांगों में मिल जाएगा अगर आप लोग उसको उस हिसाब से चंद्र को अर्घ अगले 4 दिन तक दे दें जन्माष्टमी से शुरू करके, तो अष्टमी, नौमी, दसवीं और एकादशी तिथि तक तो आपके बड़े से बड़े क्लेश भी कट जाएंगे। एक छोटा सा उपाय सभी राशियों को हवाई तरफ से जन्माष्टमी की शुभकामनाएं पुनः पुनः। तो आज आपने जाना जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें, जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण का श्रृंगार कैसे करें, और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 800-403-6524 पर, ये इनका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के जन्माष्टमी स्पेशल नक्षत्र में बस इतना ही, कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।